हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और अभी मैं घर आया हूं, तो यहां मेरे गांव में साइड में नहर पे बांध टाइप का छोटा सा बना हुआ, जहां पे बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं लोग, तो वही आपको दिखाने लाए थे। तो देखिए कुछ अच्छे नज़ारे। अभी बरसात में तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, वरना गर्मियों में तो हम लोग यहीं से पूरा इधर से उधर पार निकल जाते हैं इसके ऊपर से ही। तो यहाँ पे गर्मियों में थोड़ा पानी भी साफ़ रहता है और पानी कम रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपको अगर नहाने आएंगे यहाँ पर। गजब के नज़ारे रहते हैं और बहुत मज़ा भी आता है। हमेशा उल्टा कूदती है, तो ये जाल है वो लगा रखे हैं उधर से, जो फ्लो आ रहा है उसी में कूद के बैठ जाएगी मछली, तो इसी में फंसेगी। अभी लोग फंसाए हैं मछली, तो आपको दिखाएंगे। अभी एक दो वो पानी में डाल रखे हैं, ये भी यहाँ पे जाल लगा है, उधर साइड से डंडा है इसमें, तो जो मछली उधर को जा रही होगी तो उल्टा धारा में वापस आने की कोशिश करेगी, तो इसमें कूद के गिरेगी। तो उधर साइड भी नदी, इसके नहर के उस साइड में भी यही है, इसी टाइप का जाल लगाते हैं लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, और मछली से ही बड़ी मछली पकड़ते हैं। अभी दिखा रहे हैं आपको कांटा जिसमें फंसाए हुए छोटी मछली। अभी जाल में डाल के नीचे लटका दिए पानी में मछली, ये देखिएगा। अभी कम मछली पकड़े हैं, दो ही मिली हैं इनको। सफेद आपको दिख रहा है ना, ये कांस बोली जाती है इसको, ये देखिए गांव की औरतें निकाल निकाल के ले जाती हैं, तो इससे कुछ तो बनता होगा। मुझे पता नहीं, मतलब पक्का पता नहीं क्या बनता है, लेकिन ये सी की कुछ ऐसे बनाने के काम आते हैं। वो देखो जा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं। दोस्तों आपने समुद्र तो देखा ही होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में, ये देखिए उसकी लहरें भी, मतलब उसी के जैसी लहरें यहाँ पे भी आ रही हैं। बस थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हो गया कि समुद्र में लहरें क्यों आती होंगी, मतलब आप इससे थोड़ा सा तो आइडिया ले ही सकते हैं कैसे आती होंगी। ये देखिए लगातार एक एक करके वेव आ रही हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है।
कैसा लगा हमारा ये वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।